2,500 लोग मारे गए, बॉडी का भी नहीं पता। आप तो स्लीपर वालों के बारे में जानकारी दे रहे हैं ना मुझे, जिनका डाटा तुम्हारे पास है। जो जर्नल में थे उनका क्या होगा? कृष्ण को पता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। धीरेंद्र शास्त्री को ये पता था कि ट्रेन हादसा होएगा और इतने लोग मरेंगे। तेरी जो तूने जो बहुबली बहन बना रखी है, वो एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग के शादी कर ली, जो उसकी ना पता थी। अबे तो बकवास करने वाले आदमी बेवजह की पकड़ता है तू। तू जाके ग्रंथ तू भी लिख देना कि मुझे ये वाली घटना भी पता थी। तो समाज को नई दिशा दे रहे हैं हिंदू धर्म। दिशा नहीं है, इसे कहते हैं दिशा भ्रमित करना। जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो खुद ये कह रहा है कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हम 100 साल पीछे हो गए हिंदू राष्ट्र के नाम पर। अगर हमने 100 साल पहले ही लोकतंत्र स्थापित कर दिया होता तो हम भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे होते। वो अपनी गलती को सुधार रहा है और आप तू उस गलती को करने जा रहे हो। तुम शिवराज मामा पे भारी पड़ा हुआ वो। आजकल शिवराज मामा की ब्राह्मणों में भीड़ नहीं जा रही, धीरेन्द्र शास्त्री की में जा रही है। मुकेश जी, 2 जून को रेल हादसा हुआ था उड़ीसा में, उसमें 300 लोगों की करीब मृत्यु हो गई और हजारों लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं। एक बाबा हैं धीरेंद्र शास्त्री, उन्होंने कहा था कि मुझे पता था कि ये दुर्घटना होने वाली है, लेकिन मैंने बताया नहीं लोगों को, चूंकि होने को कोई नहीं टाल सकता। उनकी इस भविष्यवाणी को किस तरह से देखते हैं आप? मैं इस भविष्यवाणी को इस तरीके से देखता हूँ जैसे ब्रह्मा ने जमीन पर आकर अवतार लिया हो और उन्होंने कहा हो कि बच्चे तुझे ठोकर लगेगी आगे जाके। मैं तुझे बता तो रहा हूँ, लेकिन वो उन्होंने बताया ठोकर लगने के बाद। अगर वो बच्चे को पहले बता देते ना कि तुझे आगे जाके ठोकर लगेगी, तो वो बच्चा अपने आप को संभाल लेता। तो ये जो ब्रह्मज्ञानी है ना, मूर्ख आदमी जो बकवास करता रहता है फालतू की अपनी लोकप्रियता के लिए, ये कोरी बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी ना जाने कितने घूम रहे हैं। कहना हमारे एक अजय भाई हैं, उनका कहना है नौकर तो अपने ब्रह्मज्ञान को अपने पास ही रख, ठीक है। कहाँ मर गया तू? इतने सारे लोग मर गए, ये तो मीडिया दिखा रही है 300 लोग। वहाँ के लोकल लोगों की जो वाइट है ना, जो सोशल मीडिया पर चल रही है, वहाँ देखो लोग रो रहे हैं। 5,000 लोग से ज़्यादा की ज़्यादा ट्रेजेडी हुई है वहाँ पर, आपको पता है? करीबन मेरे हिसाब से 2,500 लोग मारे गए, बॉडी का भी नहीं पता। आप तो स्लीपर वालों के बारे में जानकारी दे रहे हैं ना मुझे, जिनका डाटा तुम्हारे पास है। जो जर्नल में थे उनका क्या होगा? ओम भाई, जो जर्नल में जाते हैं बिना टिकट के जाते हैं, टिकट भी नहीं लेते, भूस की तरह भर दिए जाते हैं, उनका क्या है? उनका डाटा कौन देगा मुझे? कहाँ से आएगा? उनकी भी तो मृत्यु हुई है, उनके भी तो हाथ पर कटे हैं। इन्हें 300 मत कहिए, ये 5,000 हैं, 5,000। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत होगा, इसकी हार होगी, इसकी विजय होगी, ये राजा बनेगा, हमको भी पता था इस रेल हादसे के बारे में, लेकिन हमने बताया नहीं क्योंकि होने को कोई नहीं डाल सकता। उन्होंने अपनी तुलना कृष्ण से कर दी है, लेकिन कृष्ण तो युद्ध में खुद पहुंच गए थे रथ चलाने के लिए अर्जुन का, ये तो रेलवे स्टेशन पर भी नहीं पहुंचे ना रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री, यार श्री कृष्ण को पता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। धीरेन्द्र शास्त्री को ये पता था कि ट्रेन हादसा होएगा और इतने लोग मरेंगे। अबे तो बकवास करने वाले आदमी बेवजह की पकड़ता है तू। तो जाके ग्रंथ तू भी लिख देना कि मुझे ये वाली घटना भी पता थी। मुझे तेरी जो तूने जो बहुबली बहन बना रखी है, वो एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग के शादी कर ली, तुझे उसकी ना पता थी? बकवास करता है फालतू की, ये बेकार के TRP बटोरने वाले लोग हैं। मेरी वजह से पॉपुलर हो जाएगा, तुम किसके चक्कर में पड़ रहे हो? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अज्ञात लाशें हैं सरकार उनका DNA कराएगी तो शिनाख्त होगी, लेकिन यदि बाबा पर्ची निकाल सकते हैं अज्ञात लाशों की, उनके परिजनों को लाश मिल सकती है। बाबा की पर्ची निकाल दी जाके उसने, चंद्रशेखर आजाद है हमारा एक नेता, बाबा की पर्ची निकाली वहीं पर जाके, हाथ जोड़ रहा, नोगरा चंद्रशेखर भाई हम तुम्हारे में टांग ना अड़ा रहे, तुम हमारे में क्यों टांग अड़ा रहे हो? तुम्हें पता है इसके भाई ने जाके एक अनुसूचित जाति की बच्ची की शादी में जाके फायरिंग कर दी थी और वहाँ पे हंगामा कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद जी ने जाकर इसकी पर्ची निकाल दी थी, इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लेकिन भाग गया था इसका ब्रह्मज्ञान, इसके भाई को जमानत हो गई थी तुरंत ही। जमानत एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब उसे फांसी तो लगा नहीं जा सकती थी, जो उसका अफॉन्स था, जो उसकी जो सजा, जो जुर्म था उसके मुताबिक उसे सजा मिली। जमानत का प्रावधान है, जमानत मिल गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब चंद्रशेखर आजाद ने उसके पेस टाइट किए थे, तब उसका ब्रह्मज्ञान कहाँ चला गया था? धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि खून हमारा गर्म है और धर्म हिंदू हमारा धर्म है। देखो खून तो किसी का भी ठंडा ना है, सबका गर्म होता है, ठीक है ना, लेकिन धर्म की बात है तो देखो कोई ना कोई हर किसी ना किसी धर्म में सम्मिलित है।
वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बौद्ध है, कोई पारसी है, कोई लिंगायत है, सबके अपने अपने धर्म हैं। ओम भाई, धीरेंद्र के पीछे क्यों पड़े हैं आप? मुझे लग रहा है तुम धीरेंद्र को तूती बोल रही है पूरे देश में उसकी। कुछ नहीं बोल रहा, धीरेंद्र की तरफ से आप बोल रहे हैं, धीरेंद्र को आप नेता बना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि धीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ता दिखे मुख्यमंत्री का। शिवराज मामा पर भारी पड़ा हुआ वो, आजकल शिवराज मामा की प्रोग्रामों में भीड़ नहीं जा रही, धीरेंद्र शास्त्री की में जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे शिवराज मामा की सीट खतरे में दिखे धीरेंद्र शास्त्री की वजह से। वो पर्ची निकालते हैं धीरेंद्र बाबू, उसने मामा की पर्ची निकाल रखी है। अच्छा, शिवराज मामा की। इस बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री धीरेंद्र शास्त्री बनने वाला है। ये हिंदू राष्ट्र के चक्कर में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री खेल रहा है। कह रहे सनातन धर्म बना रहे हैं हम, सनातनों को मजबूत कर रहे हैं। ये कौन होता है बनाने वाला? सनातन धर्म तो पहले से चला आ रहा है, जो भी चला आ रहा है इनके मुताबिक। ये कौन होता बनाने वाला? इसके जैसे जन कितने आए और कितने चले गए और कितने आएंगे कितने जाएंगे, ये है कौन? कई नेता भी जा रहे हैं इनके दरबार में। ये एक मात्र तिनका है, एक व्यवस्था का एक तिनका है। मैं भी उसी व्यवस्था का एक तिनका हूँ। बीजेपी के सांसद इनकी कार चलाकर जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं एयरपोर्ट से। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी जाएं, हो सकता है केंद्रीय मंत्री भी जाएं, क्योंकि बाबा राम रहीम के दरबार में भी मंत्री जाते थे, केंद्रीय मंत्री जाते थे, बड़े बड़े नेता जाते थे, पार्टियों के अध्यक्ष जाते थे, आशा राम के यहाँ पर भी जाते थे, उनके दरबार में भी मत्था टेकते थे। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? तो बाबा का प्रयोग किया जा रहा है क्या? बाबा, इन बाबाओं का प्रयोग ही होता है, ये तो प्रयोगशाला है भाई। ये तो सत्ता के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। और जो समाज को नई दिशा दे रहे हैं हिंदू धर्म में, दिशा नहीं है इसे, कहते हैं दिशा भ्रमित करना, इसे दिशा नहीं कहते। अरे कैंप लग रहे हैं इनके दरबार लग रहे हैं, काय के कैंप लग रहे हैं मेरे। मैं एक सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो देख रहा था, इनके जहां पर इनका दरबार लगा हुआ था वहीं पर महिलाएं दबकर मर गई थी, भगदड़ मच गई थी वहां पर, पता है आपको? देखिए आपने वीडियो, एक महिला चिल्ला रही है वीडियो में, अरे मेरी बहू मर गई, मेरी बहू दब गई नीचे, कोई बचाने वाला नहीं था, काय के दरबार है? घटना तो होती रहती है, काय की घटना होती रहती है। अगर जब तुम ब्रह्म ज्ञानी हो तुम्हें पता है कि मेरे दरबार में इतने लोग मरने वाले हैं, तो आप इंतजाम करिए ना। सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी हुई है बाबा को। भैया सरकार तो, मैं कह रहा हूँ NSG कमांडो दे दे इन्हें, सरकार के लिए काम कर रहे हैं भाई, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। हनुमान की सिद्धि की हुई है इन्होंने। मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सरकार किस मुद्दे पर चल रही है? हिंदुत्व के सत्य पर। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो सरकार के वॉलेंटियर हैं। वॉलेंटियर का मतलब जानते हैं? ये सरकार के वॉलेंटियर हैं, ये उनके कोर वोटर को तैयार कर रहे हैं कि वोट कहाँ जाएगी? हिंदू राष्ट्र को। हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगा? नरेंद्र मोदी जी, समझ रहे हैं आप? तो ये लोकतंत्र के लिए, सुनिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। हिंदू राष्ट्र से क्या? सुन तो लीजिए, मानने पर सुन, मुझे कोई खतरा नहीं, मुझे तो किसी के भी राष्ट्र से कोई खतरा नहीं। मुझे, मैं तो अकेला सिंगल आदमी हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ रह लूँगा, भैया के साथ रह लूँगा, कहीं भी रह लूँगा। मैं तो हिंदू राष्ट्र में भी ऐसा ही और मुस्लिम राष्ट्र में भी ऐसा ही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना तो हिंदू राष्ट्र चाहिए मुझे, ना मुस्लिम राष्ट्र चाहिए मुझे, मुझे चाहिए लोकतंत्र, मुझे चाहिए स्वराज, मुझे चाहिए लोगों का तंत्र, लोगों का राज चाहिए, लोगों के द्वारा स्थापित किया हुआ। भारतीय संविधान क्या कहता है? तो मोदी लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, बात समझ रहे हैं? जो इस्लामिक स्टेट हैं उनकी स्थिति क्या है? वहां मुसलमानों को हिंदू मार रहा है क्या? नेपाल क्या कहता है? हमने गलती की कि हम हिंदू राष्ट्र बने रहे। नेपाल क्या कह रहा है? आज वहां पर लोकतंत्र है। आप सबक नहीं लेंगे, आप पहले खुद पिटेंगे, खुद मरेंगे, तब जाकर आपको कब्र में जाकर तुम्हें सबक मिलेगा क्या? जो तुम्हारे बराबर में बैठा हुआ नेपाल हिंदू राष्ट्र था, वो खुद ये कह रहा है कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हम 100 साल पीछे हो गए हिंदू राष्ट्र के नाम पर। अगर हमने 100 साल पहले ही लोकतंत्र स्थापित कर दिया होता तो हम भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे होते। वो अपनी गलती को सुधार रहा है और आप उस गलती को करने जा रहे हो। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है? तुमसे बड़ा मूर्ख कौन है भाई? सामने वाला बता रहा है कि तुमने गलती की, हमने सुधार ली, लेकिन तुम तो उस गलती को दोहराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन गाड़ियों पे लिखा रहता है हिंदू। अरे सुनिए, हमें हिंदू है। नहीं नहीं, वो तो उनका धर्म है, उसमें हस्तक्षेप नहीं। जो उसको मानने वाला है, उसकी आस्था है, उसमें हस्तक्षेप नहीं। मुसलमान भी तो लिख रहा है, क्रिश्चियन भी तो लिख रहा है, बौद्ध भी तो लिख रहा है ना, लिंगायत भी लिख रहा है ना। जबकि ये गैर संवैधानिक है। जिसने भी अपनी जाति या धर्म को अपनी गाड़ी पर या अपने मकान पर या कहीं पर भी सो कर रखा है, उसको कानून के द्वारा दंडित करने का प्रावधान है। लेकिन कानून को चलाने वाले भारतीय नहीं हैं,
भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसमें भारतीय नहीं रहते, राष्ट्रीय व्यक्ति नहीं रहते, वहाँ पर धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पर धर्म के लोगों ने कब्जा कर रखा राष्ट्र के ऊपर। यहाँ राष्ट्र का व्यक्ति नहीं है, राष्ट्र के प्रति किसी को समर्पण नहीं है अपना। कोई ये नहीं कहेगा मैं भारतीय हूँ, कोई कहेगा कि मैं हिंदू हूँ, कोई कहेगा मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, बौद्ध हूँ, चमार हूँ, जाट हूँ, गरड़िया हूँ, धोबी हूँ, पंडित हूँ, ठाकुर हूँ। इस तरीके से जाति और धर्म में बटा हुआ देश है ये। हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान, नहीं, गलत बात हो जाएगी ये। भारत जाति प्रधान देश है, इकलौता पूरी दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं पाई जाती। यहाँ तक कि भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनके अंदर भी जातियाँ हैं, कमाल की बात। देखो, जबकि जाकर देखो सऊदी अरब में, वहाँ पर मुसलमानों के अंदर जातियाँ नहीं होती, क्योंकि भारत के मुसलमान एक ज़माने में ये उसी व्यवस्था का था जिस व्यवस्था की बात धीरेन्द्र शास्त्री कर रहा है। भारत में ही मुसलमानों में जातियाँ क्यों हैं? और भारत से टूटे हुए देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या आसपास के जो देश हैं, इन्हीं में जाति व्यवस्था क्यों है? तो मुसलमानों में जाति का जहर कहाँ से आया? ये मैंने क्या कहा, यहाँ पर जब मुग़ल आए थे वहाँ से ही शुरुआत हुई। ये एक लंबा इतिहास है, इस पर किसी दिन और उलझेंगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप भारत में रहते हैं तो आप किसी धर्म या जाति के व्यक्ति नहीं होने चाहिए, आप भारतीय होने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मैं सब प्रथम और अंततः भारतीय ही हूँ। समझ रहे हैं आप? मोहन भागवत कहते हैं कि सबके डीएनए एक है और सबका डीएनए हिंदू है, सारे हिंदू। नहीं, डीएनए वाली बात जो है मोहन भागवत जी की, वो गलत है। क्योंकि 1995 में माइकल वामसाद आए थे भारत में और उन्होंने रिसर्च किया। 21 मई को जब ये डीएनए रिपोर्ट छपी थी नबारा टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश के अखबार में 9वें पेज पर छपी थी, तो उन्होंने बाकायदा पूरा डीएनए का चार्ट दिया था। और आज भी दस्तूर है वो, और उस पर रिसर्च हुई है पूरे देश के अंदर, अलग अलग कई देशों ने संयुक्त रिपोर्ट दी है। वो भारत में जितनी भी महिलाएँ हैं, वो चाहे किसी के भी घर में हैं, उनका सभी का डीएनए समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी सबका। किसी भी जाति के, जाति में पंडित ब्राह्मण ठाकुर जाट चमार बंगी सबके घर में जो महिलाएं हैं उनका सबका डीएनए सेम है। क्योंकि भारत की महिला प्रॉपर मूल निवासी रही है, क्योंकि जितने भी आक्रांत भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले आए थे वो अपने साथ में महिला लेकर नहीं आए थे, उन्होंने यहीं की महिलाओं पर कब्जा किया, उन्हीं से बच्चा पैदा किए और अपने वंश को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो, अगर हम करें तो ये इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, सर्वप्रथम और अंततः भारतीय होना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी की जहाँ तक बात रही, उन्हें आप नेता ना बनाएं, वो मामूली से एक व्यक्ति हैं, कथावाचक हैं, अपना कथा करें, जो काम करने का है वो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन ज़्यादा फालतू के कामों में हस्तक्षेप करना उनका भी ठीक नहीं है, ठीक है। मोरमी जैसी जो घटना हुई, क्या नाम था इस जगह का, उड़ीसा में जो घटना हुई है बालासोर में, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो स्लीपर के टिकट लेकर, जो एसी के टिकट लेकर जो सफ़र करते हैं ट्रेन के अंदर, उनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जो मज़दूर, जो लेबर क्लास का व्यक्ति, जो 100 रुपये की टिकट लेता है जर्नल की, और जो बिना टिकट के बैठ जाता है, उसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। अगर इसकी सही तरीके से जाँच करें तो कम से कम 5,000 लोगों की गैदरिंग बैठती है जिसके साथ ये घटना घटित हुई है। आप ये आंकड़े कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं आप? मैं सरकार को गुमराह नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने भी बहुत सारी कई बार जर्नल डिब्बे में सफ़र किया है। मुझे पता है कि जर्नल डिब्बे में बैठे हुए व्यक्ति को कोई गिनता ही नहीं है, सिर्फ उससे टिकट पूछी जाती है। अगर टिकट नहीं होती तो TTU से 500 रुपये का फाइन ले लेता है अपनी जेब गर्म करने के लिए। लेकिन जो स्लीपर में होता है उसका चार्ट में रिकॉर्ड बनकर आता है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे। धीरेन्द्र बाबू बता सकते हैं कितने लोग हैं ज्ञात? धीरेन्द्र बाबू अपना हिसाब दे दें। मैंने क्या कहा अभी बोलने से पहले, मैंने कहा धीरेन्द्र बाबू ने अपनी बहन बना रखी है, एक लड़की मुंह बोली, वो एक मुस्लिम के साथ चली गई, उसकी पर्ची क्यों ना खोल पाए? तुम धीरेन्द्र को क्यों लाते हो बीच में? उसे अपना काम करने दो ना, वो अपना डमरू बजा रहा, बजाने दो उसे। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।